नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत 1,81,15,000 रुपए की लागत से बनने वाली डामरीकरण सड़क में किया जा रहा है घटिया किस्म का निर्माण कार्य। जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अकोला के ग्राम तारटोला की, जहां ग्राम नेवरा से नदी टोला तक प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 1,81,15,000 रुपए की लागत से 3 किलोमीटर की सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी एजेंसी लोक निर्माण विभाग बालाघाट है और जिसके निर्माण कार्य का ठेका कस्तूरबा इंफ्रास्ट्रक्चर लांची को मिला है। लेकिन ठेकेदार द्वारा इतना घटिया निर्माण कार्य किया गया है कि डामर सड़क 1 सप्ताह में ही उखड़ गई है और जहां तहां गड्ढे हो चुके हैं, जिस पर लगे डामर के चिट्ठे ठेकेदार के घटिया निर्माण कार्य की पोल खोल रहे हैं। उक्त निर्माण कार्य से तारटोला के ग्रामीण काफ़ी नाराज हैं और सड़क के उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य की प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है। MPCC 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से कैमरामैन विकेश मिश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भिमटे की रिपोर्ट। राहुल जी से तारटोला। जी हाँ, ये रोड तो मतलब ऐसा है, बहुत जमाने के बाद में बनी, कहना चाहिए आज़ादी के बाद में पहली बार रोड देखने मिली हमको। और इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है, डामर है, जो मतलब डामर का मटेरियल है, जो काफ़ी घटिया यूज किया गया है, जो कि अभी देखने करीबन 7 दिन हुआ है तैयार हुई है रोड, और डामर साथों साथ ही मतलब चत्थे लगने चालू हो गए हैं, डामर उखड़ रहा है। और मतलब रोडों में कहीं कहीं पाइप लगना था गांव में बस्ती के बीच में पानी निकासी के लिए, उसको भी नहीं लगाया है। और साथ में मतलब ये पीछे हमारे एक नाला है, नाले में भी बरसात में पानी चढ़ जाता है, थोड़ा सा इस नाले का भी निर्माण करना था। ठेकेदार ने मतलब ऐसा है मटेरियल बहुत घटिया यूज किया है इस रोड के। ये प्रधानमंत्री खनिज कार्यक्रम अंतर्गत ये रोड सेंक्शन हुई है, जिसमें 1,81,00,000 करीब इसका मतलब ये आवंटन था, इसके तहत बनी है रोड। और मटेरियल वही है रोड के मामले में कि मटेरियल काफ़ी घटिया यूज किया गया, इसलिए ज़्यादा मेरा अंदाज है कि करीबन ये 1-2 महीने में। और इस रोड से जो आवागमन है सर काफ़ी ज़्यादा है, सम्राट मतलब हमारी जो पहाड़ी है ये स्टोन क्रेशर अकोला, इसका आधा से ज़्यादा मतलब 70% माल हमारी इस रोड से निकासी होता है, नदी खाली रहती तब। कुल मिला के भी हम देखा जाए तो काफ़ी गुणवत्ताहीन सड़क। हाँ, गुणवत्ताहीन बनी ही है वो, तो मतलब ऐसा दिख ही रही है सर अभी तो। घसूलाल बिसेन, ग्राम पंचायत अकोला का निवासी हूँ जी। चट्टा तो लगे हैं, कहीं कहीं चट्टा लगाए हैं, हमने उनको भी बोले काम करने वालों को, ये चट्टा क्यों लगा रहे हो, इसमें एक कोट और हो जाना चाहिए था, बस जितने में जला वाला डाले हैं उन्हें, क्योंकि मशीन खराब होने के बाद में उन्हें जले वाले इसको वापरे हैं, वो उसी जगह से रोड उखड़ रही है जी। ये खनिज रॉयल्टी विभाग से बनी है, खनिज विभाग से। हमने तो गाँव में भी बोले थे, सीमेंट रोड भी हमारी टूट चुकी है, पंचायत से बनी थी अभी 2-3 साल पहले, तो हमने बोला कि इसमें भी एक सिंगल कोट कर दिया जाए तो रोड की मजबूती बढ़ जाएगी। कमजोर भी बनी है और गांव में जहां जहां पाइप नहीं लगे हैं वहां वहां पाइप भी लगाना जरूरी है जी, क्योंकि अभी पाइप का काम किए नहीं है और रोड का काम ओके करके चले गए ये लोग। Thank you.